नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए हीरो कंपनी का फाउंटेन पेन 592। तो इस ये देखिए बॉक्स रेड कलर के बॉक्स में आता है और सिंपल सा बॉक्स है, गत्ते का बहुत ही हल्का बॉक्स लग रहा है मुझे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह का फाउंटेन पेन आपको मिल जाता है अंदर फोम में, और ये फाउंटेन पेन इसमें जबरदस्ती घुसाया हुआ है क्योंकि इसकी जो कटिंग है ये यहाँ देखिए फाउंटेन पेन उससे थोड़ा सा लंबा है, और दो यहाँ पर कार्ट्रिज आपको मिल जाती है। ये कार्ट्रिज आप देख सकते हैं और फाउंटेन पेन देख सकते हैं। बॉक्स को अलग रख देते हैं हम लोग। तो ये वाइट कलर का पेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्ल वाइट इसको बोल सकते हो आप। और शाइनिंग इसकी देखिए, एक अलग ही शाइनिंग इस फाउंटेन पेन में आपको मिल जाती है। दो स्टैंडर्ड साइज़ की कार्ट्रिज हैं, ये देखिए इनको अलग रख देते हैं हम लोग और निकालते हैं अपना फाउंटेन पेन। ये देखिए आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्ल वाइट कलर में, और शाइनिंग देखिए आप इसकी वाइट कलर की, कितनी बेहतरीन शाइनिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो फाउंटेन पेन है पीछे की तरफ से बिल्कुल पतला, और ये फिनियल्स आपके देख सकते हैं इसमें कैप के पीछे, देखिए ये क्रोम कोटेड फिनियल है। और ये क्लिप आप देख सकते हैं, क्लिप के ऊपर भी एक हीरो का साइन यहाँ पर गुदा हुआ है, ये भी देख सकते हैं। और क्लिप के नीचे देखिए, क्लिप के नीचे चाइनीज भाषा में और इंग्लिश भाषा में हीरो लिखा हुआ, बीच में आपको हीरो का साइन और पीछे की तरफ इसका नंबर 592। तो ये 592 इन्होंने इसका नंबर दिया हुआ है। और इसकी बनावट आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये स्लिप ऑन है, आवाज़ देखिए, ये देखिए। अब हम इसका वेट भी मेजर कर लेते हैं, हमारी वेट मेजरिंग मशीन ऑन कर देते हैं हम। 00 ग्राम्स, जैसे ही हमने फाउंटेन पेन रखा 28.8 ग्राम का ये फाउंटेन पेन हो जाता है विद कैप, और विदाउट कैप देख लेते हैं अब। और विदाउट कैप 17.3 ग्राम इसका वेट हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा खासा वेट आपको इस फाउंटेन पेन में मिल जाता है। और ये फाउंटेन पेन मेटल का फाउंटेन पेन है, यहाँ आप देख सकते हैं बैरल पूरा मेटल का है, ऊपर की तरफ लैकर्ड कोटिंग है, और यहाँ एक ये आप बैंड देख सकते हैं कितना चौड़ा बैंड यहाँ पे एक मेटल का दिया हुआ है, उसके अंदर में ब्लैक कोटिंग भी की गई है। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन ब्लैक लाइन आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी स्टेनलेस स्टील फिटिंग यानी कि क्रोम कोटिंग के साथ आपको मिल जाती है। पीछे की तरफ आप देखिए यहाँ पे, ये पीछे की तरफ ये डोम नुमा आपको फिटिंग मिल जाती है, फिनियल बोल सकते हैं आप इसको। और ओवरऑल ये बैरल का साइज़ देखिए, ये इस तरीके का आपको बैरल मिल जाता है, टेपर्ड है यहाँ से पीछे की तरफ से ये। अब बात कर लेते हैं कैप की, ये कैप है, और कैप में क्लिप देखिए, क्लिप टाइट क्लिप है लेकिन थोड़ी सी पतली ही क्लिप आपको मिलती है इसमें, क्रोम कोटिंग अच्छी खासी मिल जाती है। पीछे की तरफ फिनियल देखिए, ये भी आपको डोम शेप में मिल जाती है। और कैप के अंदर एक प्लास्टिक की फिटिंग है अंदर वाइट कलर की, वो भी आपको सेक्शन को बचाने के लिए इसके अंदर मिल जाती है। ये आप ग्रिप सेक्शन देखिए यहाँ पर, और निब देखिए, बहुत ही बेहतरीन सा निब आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक अलग ही शेप में मिलता है। इस निब के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हीरो 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग। अब ये 22 कैरेट 320 रुपये में मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है गोल्ड प्लेटिंग, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है डुअल टोन में निब, निब का शेप बहुत बेहतरीन। और पीछे की तरफ इसमें देखिए, ये है इसका फीड, ये भी आपको एक अलग तरह का फीड इसमें मिल जाता है, अंदर से यहाँ से प्लेन है। और ग्रिप सेक्शन पूरा ये प्लास्टिक का बना हुआ है, और आगे की तरफ नेक पे एक बैंड मिल जाता है क्रोम कोटेड मेटल का। तो ये देखिए पूरा प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक है। और ये है इसका कन्वर्टर, सिंपल सा कन्वर्टर, पुश कन्वर्टर आपको मिल जाता है यहाँ पे, और इसके अंदर स्प्रिंग, तो आपको एक स्टैंडर्ड कन्वर्टर आप इसमें लगा सकते हैं। ये सारे पार्ट मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये देखिए ये सारे पार्ट आपके इसके हो गए हैं। तो दोस्तों फाउंटेन पेन देखने में बेहतरीन है, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से इसको आप सबसे सस्ते में बाय कर सकते हैं, 320 रुपये इसकी आई थिंक जहां से मैंने ख़रीदा है वहां से मुझे पड़ा है। तो अमेजोन से मत खरीदेगा, वहां 799 इसकी MRP है, वहां पे बहुत महंगा मिल रहा है।
तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अगर बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें इंक भर लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये जिन्हाओं का इंक लिया है मैंने, और ये देखिए बोतल, सुंदर सी बोतल आती है जिन्हाओं की ये, और ग्रीन बम्बू कलर है ये। 30 ml की बोतल आपको मिल जाती है, और देखिए यहाँ पे रिब्स आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छी खासी बोतल, सुंदर सी बोतल यहाँ पे जिन्हाओं की मिल जाती है। ओपन कर लेते हैं इसको। ये मैं सेक्शन लेता हूँ, सेक्शन के अंदर कन्वर्टर लगाते हैं। कन्वर्टर आप सीधा पुश कर सकते हैं, आराम से पुश हो जाएगा। अब मैं इंक लेता हूँ और इंक इसके अंदर हम भरते हैं। कन्वर्टर को आगे पुश कीजिए, सेक्शन को डुबोइए और पीछे की तरफ खींच लीजिए। तो देखिए इसमें अच्छी खासी इंक आ गई है टेस्टिंग के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब एक राइटिंग सैंपल ले लेते हैं हम, और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है हमारे राइटिंग टेस्ट में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राइटिंग सैंपल है आपके सामने, और मैंने इसे ये सब लिखा है, और भी मैंने काफ़ी इससे राइटिंग की हैं। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये फाउंटेन पेन एवरेज राइटिंग फाउंटेन पेन है। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, हल्का सा इसके स्क्रैचीपन भी इस फाउंटेन पेन में आपको मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो निब की स्ट्रेंथ है वो फाइन पॉइंट की तरफ है, ये एक इसमें फाइन पॉइंट निब आपको मिल जाता है। और पीछे की तरफ इसमें ब्लीडिंग के साइन भी आपको पीछे की तरफ थोड़े से मिल जाते हैं। तो राइटिंग एक एवरेज राइटिंग इस फाउंटेन पेन से आपका आने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फाइंग इससे राइटिंग नहीं मिलेगी। और आप इसका लुक अगर बात करते हैं तो लुक इसका एब्सोल्युटली फिनोमिनल है, बहुत ही बेहतरीन लुक आपको इसमें मिल जाता है। और वेट भी इसका काफ़ी ठीक है, मतलब जितना वेट आपका होना चाहिए, और वेट भी इसका मेरे हिसाब से एकदम काफ़ी अच्छा है। वाइट कलर, ब्लैक और स्काई ब्लू में तो ये बहुत ही सुंदर फाउंटेन पेन लगता है। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फाउंटेन पेन आपको ये मिलता है। और यहाँ पर देखिए इसका निब, निब तो सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, लेकिन राइटिंग के मामले में उतना अच्छा निब आपको ये मेरे हिसाब से नहीं लगने वाला है। तो अगर आपको बाय करना है तो आपको एवरेज फीलिंग इसमें आएगी एज पर राइटिंग, लेकिन इसको होल्ड करने में आपको बहुत ही बेहतरीन फीलिंग आने वाली है। इसका ग्रिप सेक्शन भी एकदम परफेक्ट है राइटिंग के हिसाब से, वो उसमें कोई कमी आपको इसमें नज़र नहीं आएगी, और बैलेंस फाउंटेन पेन आपको ये एक मिल जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को नीचे जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरीके से नए नए वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।